जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉल्यूम में। दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल की एक और रिजेक्शन स्लिप सामने आई है, जिसके अंदर पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा, बिल्कुल सरप्राइजिंग पॉइंट है, बिल्कुल न्यू पॉइंट आ रहे हैं हर किसी रिजेक्शन स्लिप में। दोस्तों, बहुत सारी रिजेक्शन स्लिप मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, लगभग 7 से 8 रिजेक्शन स्लिप मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंटों के अंदर रिजेक्शन दिया गया था। यहाँ भी समझ लेंगे कि किस पॉइंट के अंदर रिजेक्शन मिला है। सबसे पहले देखिए, जो रिजेक्शन स्लिप मिली है वो आप लोगों को बाय प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल वाइज लिखा हुआ है किस कारण से रिजेक्शन मिला है, क्या कैंडिडेट हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस सब लिखा हुआ है कैंडिडेट का, और किस पॉइंट के अंदर। सबसे पहले तो इनका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ पर इनका हुआ था DME डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन BSF कैंप के अंदर इनका हुआ था। फिर नीचे इनका लिखा हुआ है कि किस पॉइंट के अंदर इनको अनफिट किया गया था। आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ लिखा हुआ किस कारण से रिजेक्शन मिल सकता है, क्या क्या वो कारण होते हैं, फोन नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि किस कारण से इनको, यहाँ पर रीज़न लिख रखा है, रीज़न मेंशन बिलो कि किस कारण से इनको जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपील को रिजेक्टेड किया गया, रिजेक्टेड योर अपील ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, रीज़न मेंशन बिलो। तो दो रीज़न लिख रखे हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाला रीज़न समझेंगे, DME डिक्लेयर अनफिटनेस जो ग्राउंड में दिया गया था, इसके अंदर इनको दो पॉइंटों में दिया गया था, जिसके अंदर एक पॉइंट को तो डॉक्टर ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, लेकिन दूसरे पॉइंट के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड की थी, वार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड नहीं कर पाया डॉक्टर। सेकेंड यहाँ पर देखिए, तो सेकेंड इनका अंदर क्या बताया गया, जो विजन डिफीट का जो सर्टिफिकेट था, इसके अंदर जो फोटो पे है वो फोटो के अंदर इम्प्रेशन इज नॉट अटेस्टेड बाय द कंसर्न मेडिकल ऑफिसर, तो फोटो के ऊपर थंब इम्प्रेशन नहीं अटेस्टेड थे, इस कारण से रिजेक्शन दिया गया। देखिए, ये तो काफ़ी छोटी मिस्टेक थी, और इसी कारण मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में बताया था, वहाँ पर भी सिर्फ एक इस गलती के कारण रिजेक्शन दिया गया था। तो देख लीजिए कितनी छोटी छोटी गलतियों के कारण रिजेक्शन स्लिप मिल रही है। यहाँ पर सिर्फ जो है फोटो अटैच्ड नहीं था, इस कारण से रिजेक्शन दिया गया है। गलती छोटी है, लेकिन जहाँ देखा जाए गलती बड़ी भी बन सकती है, क्योंकि फ़ोटो अटैच नहीं करना तो इसके कारण ये हो सकता है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी कैंडिडेट जाकर वहाँ पर डॉक्टर से चेक कराए, आफ्टर दैट अपना कोई फ़ोटो लगा दे, तो फ़ोटो अटैच करना ज़रूरी भी होता है। तो ये दो पॉइंट हैं जिनके कारण रिजेक्शन दिया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी ऐसी गलती की है तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस सकते हैं इस मामले में, आप लोगों को रिजेक्शन स्लिप मिल सकती है। और नंबर टू, आप लोग समझिएगा, जो रिजेक्शन आप लोगों को दिया गया है, किसी किसी कैंडिडेट को नहीं भी मिल सकता है इन पॉइंटों के अंदर रिजेक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का सेंटर कैसा है, मेडिकल ऑफिसर कैसा है, जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन टीम है वो कैसी है, वो आप लोगों को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, और आप इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी उठा सकते कि उस कैंडिडेट को क्यों एक्सेप्ट किया गया, आपको क्यों रिजेक्टेड किया गया। आप लोग नहीं उठा सकते इसके ऊपर, कोई भी अपील नहीं कर सकते कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में एक बार आप लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग रिजेक्टेड हैं, आप लोग अपील नहीं कर सकते। अपील आप लोग SSC सेंटर पर जाकर करेंगे भी, तो भी आप लोगों को सेम ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को किस कारण से रिजेक्शन दिया गया है। वही मैं आप लोगों को एक वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, एक कैंडिडेट ने अपील भी की थी, वहाँ पर उनको सिर्फ यही कारण बताया गया कि इस कारण से आप लोग रिजेक्शन मिला है, सेम चीज़ उनके द्वारा रिपीट की गई, और उनके द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आप लोग के अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अपील जो है, एक बार आप लोग की रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दे ली, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जिनको रिजेक्शन स्लिप मिली है वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग कहीं पर अपील करें या फिर कोर्ट केस डालें, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।